हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अक्षिता कुक हाउस। आज की रेसिपी है होममेड जिंजर गार्लिक हर्ब मेयोनीज। उसके लिए हमें 2 कप दूध लेना है। दूध जो आपके नॉर्मल आपके घर में रहता है, जिसके लिए आप चाय वाय बनाने के लिए यूज़ करते हो, इसके लिए फुल फैट क्रीम वाले दूध की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा दूध में पानी भी होगा तो भी चल जाएगा। कॉर्नफ्लोर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप कहीं किसी भी किराना स्टोर पे जाके ले सकते हैं। जैसे दूध बॉईल हो जाए उसको सिंपल कर लें और उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाएं और उसको अच्छे से विस्क करें। एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि आप दूध बॉयल कर रहे हैं तो आपको लगातार विस्क करना पड़ेगा दूध को, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। विस्क करते वक्त अगर कुछ थोड़े बहुत लम्स भी रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जाके वैसे भी इसे ब्लेंड करेंगे। ऐसे करके मैं सारा कॉर्नफ्लोर धीरे धीरे डालूंगी और फटाफट विस्क करूंगी। थोड़ी देर बाद हम नोटिस करेंगे हमारे मिल्क की जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे वो गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा जो मिल्क है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। मैं इसे करीबन 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये करीबन आधा रिड्यूस नहीं हो जाएगा और इसका जो टेक्सचर एकदम गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, मैंने इसे 20 मिनट तक गैस पे पकाया है, अब मैं इसे ठंडा होने रख दूंगी। मैंने इसे 3-4 घंटे ठंडा होने रख दिया था, तब ये बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, तभी आप इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। 3-4 घंटे के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसे हलवे जैसा हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए हमारे मेयोनीज बनाने के लिए। इसके बाद आप इस मिक्सचर को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दें। उसमें मैं जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट डालूंगी थोड़ा सा। इसमें मिक्स हर्ब्स डालूंगी, जिसमें बेसिल, थाइम, रोजमेरी और ऑरेगानो है। ये आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएंगे इजीली। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आप खाते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, 1/2 कप विनेगर, इसमें मैंने वाइट विनेगर यूज़ किया है, ये भी आपको इजीली कहीं भी किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल, ये मैंने करीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाला है। रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहेगा।
इसे मैंने सिर्फ 2 सेकंड ग्राइंड किया है, उसके बाद मैंने इसे वापस इसका ढक्कन खोला। अब इसमें थोड़ी सी मैं शुगर डालूंगी और वापस से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी। इसे मैं सिर्फ फिर से 2 सेकंड के लिए ग्राइंड करूंगी और देखिए हमारा मेयोनेज़ एकदम तैयार हो जाएगा। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बस हमें याद रखना है कि इसे ठंडा होने रख देना है, उसके बाद ही हमें इसे ग्राइंडिंग वाला प्रोसीजर करना है, वरना जो हमारा मेयोनेज़ है उसका टेक्सचर अच्छे से नहीं आएगा। स्टोरेज के लिए आप इसको किसी भी ग्लास कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना फ्रिज के ख़राब हो सकता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।